बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेवन स्टार टेक। इस वीडियो में हम लैंडसैट 7 में जो स्कैन लाइंस होती हैं उनको रिमूव कैसे करते हैं उसका मेथड देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्क टूल बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं टूल बॉक्स जो है एक हम यूज़ करेंगे जो कि लैंडसैट टूल बॉक्स के नाम से है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एजरी की वेबसाइट से। ठीक है, ये लिंक है आपके पास, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड टूल बॉक्स। यहां पे जाने के बाद जहां पे वो मेरा टूल है वो प्लेस वो पाथ उसको दूंगा। ये मेरे पास टूल है, इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। ओके, इसमें बहुत सारे आपके पास टूल मिल जाते हैं, NDVI, NDMI, लैंडसैट 5TM, टेसल्ड कैप, इसी तरह से बहुत सारे आपको टूल मिल जाते हैं इसमें जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक टूल हमारा जो हमने यूज़ करना है वो है फिक्स लैंडसैट 7 स्कैन लाइन एरर, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब जो है वो मैं कोई लैंडसैट 7 का एक बैंड जो है वो मैं इसमें ऐड करवाता हूँ। ये आ गया बैंड, इस पे अब मैं टूल पे जाऊंगा, डबल क्लिक किए, यहां पे आप बैंड देंगे इनपुट में, यहाँ पे आउटपुट दें, एंड ओके कर दें। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब देखते हैं, आप ये देखें आपके पास इसमें कोई आपको लाइन नज़र नहीं आ रही, जबकि अब मैं अगर पहले वाला जो बैंड है वो ओपन करता हूँ, ये देखें इसमें आपको स्कैन लाइंस नज़र आ रही हैं जबकि इसमें आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, इसमें एक ही टर्न में आप जो है सारी स्कैन लाइंस रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिडार्स इमेजिन में हम ये रिमूव करने के लिए फोकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी वीडियो मौजूद है, वो भी आप रिडार्स इमेजिन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।